छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में बुरी तरह से जख्मी पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल की हालत स्थिर बताई जा रही है। शुक्ल का इलाज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए रायपुर से गुड़गांव लाया गया था। अस्पताल में शुक्ल का हालचाल जानने के लिए पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के साथ साथ दिल्ली और हरियाणा के सीएम भी पहुंचे।